बाह्य परिपथ से बहने वाला आवेश समान मात्रा में ही सब जगह से जाता है। प्रवाह एक जगह पर ज्यादा या दूसरी जगह पर कम ऐसा नहीं होता है। वास्तव में विद्युत प्रवाह की मात्रा कुल प्रतिरोध की मात्रा से व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक ही प्रतिरोधक के प्रतिरोध में और सारे प्रतिरोधकों के संपूर्ण प्रतिरोध में एक सीधा संबंध होता है। परिपथ में दो श्रेणीबद्ध 10 ओहम के प्रतिरोधकों का होना एक ही 20 ओहम प्रतिरोधक के होने के समान ही होता है। श्रेणीबद्ध 3 10 ओहम के प्रतिरोधकों का होना या एक ही 30 ओहम के प्रतिरोधक के होने के समान ही है। उसी प्रकार परिपथ में श्रेणीबद्ध 4 10 ओहम के प्रतिरोधकों का होना या एक ही 40 ओहम के प्रतिरोधक के होने के समान ही है। इसे ही समकक्ष प्रतिरोध की संकल्पना कहा गया है। श्रेणी क्रम परिपथ में ये सारे प्रतिरोधकों का जोड़ होता है। जब परिपथ में प्रस्तुत एक प्रतिरोधक के प्रतिरोध की मात्रा का प्रभाव सारे प्रतिरोधकों के प्रतिरोध की मात्रा के प्रभाव के समान हो, श्रेणी क्रम परिपथ के लिए वो सारे प्रतिरोधकों का जोड़ होता है। आर ई क्यू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत प्रवाह सब जगह एक जैसा होता है। आवेश एक ही जगह पर ढेर के रूप में जमा नहीं होता है, जिसके कारण एक जगह पर प्रवाह अधिक और दूसरी जगह पर कम ऐसी स्थिति निर्माण हो। प्रतिरोधकों द्वारा सारे आवेशों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि किसी स्थान पर अन्य स्थान से कम आवेश रह गया हो। इसके विपरीत किसी परिपथ में हम आवेशों के एक वायर से दूसरी वायर में आवागमन की कल्पना कर सकते हैं, और वो भी एक ही गति से। जिस दर से आवेश प्रवाहित होते हैं उसे ही विद्युत प्रवाह कहा जाता है, जो हर जगह समान होता है। वो पहले प्रतिरोधक जो रहता है वही अंतिम प्रतिरोधक पर रहता है, जिस प्रकार एक बैटरी में होता है। आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री। इसी कारण अगर हमें बैटरी के वोल्टेज के बारे में और व्यक्तिगत प्रतिरोध के मूल्य की जानकारी हो तो हम इन प्रवाहों के मूल्य की आसानी से गणना कर सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत प्रतिरोधक के मूल्य का उपयोग करें तो हम समकक्ष प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। बैटरी के प्रवाह को हम ओहम के नियम का उपयोग कर पता कर सकते हैं, और इस प्रकार हर एक प्रतिरोधक को निर्धारित करने के लिए हमें बैटरी के वोल्टेज और समकक्ष प्रतिरोध के अनुपात को निकालना होगा। विद्युत विभवांतर और वोल्टेज में कमी। एक 20 वोल्ट की सेल बाह्य परिपथ में 20 वोल्ट विद्युत विभवांतर स्थापित करेगी। इसका अर्थ ये होगा कि धनात्मक टर्मिनल पर विद्युत विभवांतर 20 वोल्ट है, जो ऋणात्मक टर्मिनल से अधिक है। जब आवेश बाह्य परिपथ से होकर गुजरते हैं तब उनके 20 वोल्ट के विद्युत विभव का नाश होता है। विद्युत विभव में होने वाले इस नाश को ही वोल्टेज में कमी कहा जाता है। यह तब होता है जब आवेश की विद्युत ऊर्जा को प्रतिरोधक के अंतर्गत ही किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे तापीय, प्रकाश या फिर यांत्रिक इत्यादि। अगर कोई विद्युत परिपथ 20 वोल्ट एक से अधिक प्रतिरोधकों से लेस है तब उसके विभवांतर की संचित हानि 20 वोल्ट होगी। हर एक प्रतिरोधक के साथ कुछ मात्रा में वोल्टेज का नाश तो होगा, पर इन सारे वोल्टेज की कमी को जोड़ने से वो 20 वोल्ट आएगा। ये ऊर्जा आपूर्ति के वोल्टेज दर के समान होती है। ये संकल्पना गणितीय समीकरण में निम्न पद्धति से दर्शाई जा सकती है। डेल्टा वी बराबर डेल्टा वी वन अधिक डेल्टा वी टू। चूंकि श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत प्रवाह हर जगह समान होता है, I का पोटेंशियल डिफरेंस V IR मूल्य होता है, और वो श्रेणी क्रम के सारे प्रतिरोधकों में समान होता है। जहां पर प्रतिरोध अधिक होता है वहां पर प्रतिरोधक के मामले में वोल्टेज में अधिक कमी आती है। हम ओहम नियम का उपयोग कर न सिर्फ इस बात का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधक से कितने अधिक वोल्टेज में कमी आएगी, इसके उपयोग से हम वास्तविक वोल्टेज में आई कमी को नाप भी सकते हैं।